80% में जब सुरक्षित नहीं है, 80% में जब पत्थर घल रहे हैं, 80% में भी आपकी बहन और आपकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर ले जा रहे हैं, 80% में भी आपकी जमीनों पर कब्जा अवैध किया जा रहा है जो इन्होंने लैंड वाली बात की, 80% में भी आपको राम मंदिर बनाने के लिए 50 साल से ज़्यादा लग गए, 80% में भी आप कृष्ण जन्मभूमि के अभी तक निर्णय नहीं करवा पाए, 80% में भी आप रहते हुए भी आज तक अभी तक खुल करके सनातन और हिंदुत्व की बात नहीं बोल पा रहे, क्या आप खाक 80%? इसीलिए माला और भाला की आवश्यकता है बाबा जी, माय डियर। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे से पहले ही बिहार के कई ऐसे नेता है जिन्होंने विरोध जताया और कहा कि बागेश्वर धाम के बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने पर रोक लगाना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने तो साफ कह दिया कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो उनका एयरपोर्ट पर ही घेराव किया जाएगा। इसके साथ साथ तेज प्रताप के कई सारे ऐसे बयान आए जहां पर ये साफ जाहिर हो रहा था कि तेज प्रताप यादव जो है धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने नहीं देना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हमसे माफी मांगे, धीरेन्द्र शास्त्री देश विरोधी हैं। जिसके बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सामने आया। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वो देश को हिंदू राष्ट्र क्यों मनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम 80% हैं, यानी कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग 80% हैं, लेकिन फिर भी लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। इसके साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि माला और भाला क्यों जरूरी है, ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है जिस तरीके से राम भगवान की मूर्ति पर पत्थर मारे जाते हैं। देश में हिंदुओं के साथ जो बर्ताव किया जाता है ये तब नहीं होगा जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और इसके साथ साथ जो धर्म के नाम पर राजनीति होती है अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो वो भी नहीं होगा। आप सुनिए कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कहते नजर आए। 80% में जब सुरक्षित नहीं है, 80% में जब पत्थर घल रहे हैं, 80% में भी आपकी बहन और आपकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर ले जा रहे हैं, 80% में भी आपकी जमीनों पर कब्जा अवैध किया जा रहा है जो इन्होंने लैंड वाली बात की, 80% में भी आपको राम मंदिर बनाने के लिए 50 साल से ज़्यादा लग गए, 80% में भी आप कृष्ण जन्मभूमि के अभी तक निर्णय नहीं करवा पाए, 80% में भी आप रहते हुए भी आज तक अभी तक खुल करके सनातन और हिंदुत्व की बात नहीं बोल पा रहे, क्या आप खाक 80%? इसीलिए माला और भाला की आवश्यकता है बाबा जी, माय डियर। आपने देखा कि किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाना आखिर क्यों जरूरी है और भाला और माला क्यों चाहिए। इसके साथ साथ 80% हमारी आबादी है, यानी कि सनातन धर्म मानने वाले लोगों की आबादी 80% है इस देश में, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। जिसके बीच अब जो है धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार दौरा नजदीक आ चुका है और वो बिहार में कार्यक्रम करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई है। बिहार के कई सारे ऐसे नेता हैं, RJD के कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में होना चाहिए। इसके बीच धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान भी आया। उन्होंने कहा कि हम जो है वो भगवान श्री राम और भगवान हनुमान की मर्जी पर चलते हैं, अगर भगवान हनुमान और श्री राम चाहते हैं तो हम जरूर आएंगे बिहार। ये तमाम बातें धीरेन्द्र शास्त्री भी इस बीच कहते नजर आए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आते हैं तो बिहार का नजारा कैसा होता है। बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद।